आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर कम हो सकती हैं। दरअसल भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से 50 लाख बैरल कच्चा तेल बाहर निकालने का फैसला किया है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन की राय के बाद भारत ये कदम उठाने के लिए तैयार हुआ है। भारत में रोजाना करीब 50 लाख बैरल तेल की खपत होती है। भारत के पास करीब 3 करोड़ 80 लाख बैरल कच्चे तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। भारत समेत 29 देशों के पास कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं चीन और अमेरिका के बाद जापान में सबसे बड़ा इमरजेंसी तेल भंडार है। भारत के अलावा अमेरिका भी 5 करोड़ बैरल तेल अपने भंडार से निकालने जा रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन भी ऐसा ही करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगले 7 से 10 दिनों में यह कदम उठाया जा सकता है। इसका मकसद पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाना है। दरअसल पहले अमेरिका ने तेल उत्पादक ओपेक देशों पर दबाव बनाया कि वो उत्पादन बढ़ाएं ताकि कीमतें कम हो, लेकिन ओपेक देश राजी नहीं हुए तो अमेरिका समेत कई देशों ने अब अपने आपातकालीन भंडार का ऐसा इस्तेमाल करने की योजना बनाई है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें घट सकें। अमेरिका समेत कई देशों के पास जितने बड़े भंडार हैं उसमें से वो कुछ तेल बाजार में निकाल भी दें तो उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के पास करीब 64 करोड़ बैरल तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, जबकि जापान के पास करीब 45 करोड़ बैरल तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। दक्षिण कोरिया के पास करीब 30 करोड़ बैरल तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। रणनीतिक भंडार में रखे तेल का इस्तेमाल आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं में या आपातकालीन हालात में किया जाता है, जब इस्तेमाल के लिए तेल का उत्पादन ठप हो जाए। हालांकि अभी तेल की कीमतें जिस तरह से दुनिया में आसमान छू रही हैं, उसमें कमी लाने के लिए शायद और कोई रास्ता नहीं दिखता।